जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, हमें ऐसा लगता है कभी कभी कि किस्मत जो है हमारी क्यों ख़राब है, और बहुत सी चीज़ें हमारी नहीं बनती हैं, चीज़ों का प्रयास हम करते हैं लेकिन उसके बाद भी चीज़ें हमारे पक्ष में नहीं हो पाती हैं। क्या कारण है, कहाँ गलती हम कर जाते हैं और किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए जिससे कि हम इन चीज़ों से बाहर आ सकते हैं। सबसे पहली बात है कि मेहनत जो है वो हर सफलता का रहस्य और राज है, लेकिन क्या हम सही दिशा में मेहनत कर रहे हैं, ये उससे बड़ी सफलता का राज है। और इससे भी आगे कि जो हमने रोड मैप बनाया है मेहनत करने का, क्या हम उस पर वाकई में पूरी ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं, पूरे तन मन से, पूरी योग्यताओं के साथ जो हम में है उससे कर रहे हैं, या केवल और केवल हम वक्त गुजार रहे हैं, ये उससे बड़ा रहस्य है। तो ये तीनों चीज़ों को मैं सिंपल तरीके से आपको कह देता हूँ कि यही बेसिक सी बात जो है कि अगर किसी भी चीज़ में आप पूरी ईमानदारी से और पूरी शिद्दत के साथ काम करेंगे तो ही सफलता आपको मिलेगी। अब रुकिए 1 मिनट, उसमें एक और बात है कि कई बार बहुत मेहनत करने के बाद, पूरी ईमानदारी से हम मेहनत भी कर रहे हैं लेकिन चीज़ें हमारे पक्ष में नहीं हो पाती हैं और हमें ऐसा लगता है कि हमारी किस्मत ही ख़राब है। तो अगर ऐसा कुछ है तो थोड़ा सा आप अध्यात्म की ओर भी अग्रसर हों। अध्यात्म की ओर अग्रसर होने से आप मंत्र जप करें, आप ध्यान करें, योगा प्राणायाम करें और आप थोड़ा ईश्वर की ओर अग्रसर हों, क्योंकि जो बड़े बड़े काम हैं, बड़ी बड़ी सिद्धियाँ हैं, वो शक्ति के बिना नहीं मिल सकती। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि मेहनत करे बिना नहीं मिलेगी, लेकिन मेहनत के लिए जो शक्ति प्रदान करने वाली शक्ति है वो ईश्वर है, ये मेरा कहने का अर्थ है। और वो और उसके भाव को और उससे कनेक्ट होने का सबसे अच्छा साधन है मंत्र का जाप। कोई भी एक मंत्र ले, उसका जाप करे। सकारात्मक माइंड सेटअप होना, आपको ईश्वर पर पूर्ण यकीन और श्रद्धा होना, और एक और बात कि वो जो करता है वो अच्छा करता है, ये बात हमारे दिमाग में अच्छे से बात बैठ जाना चाहिए, क्योंकि हर एक चीज़ का समय निर्धारित है, तभी आपको मिलेगी। और उसके लिए एक भाव को जीना होगा, एक समय को जीना होगा, तब जाके आपको वो चीज़ नसीब होगी। अब आप ये सोचिए कि वो तमाम चीज़ें हमें यूं ही मिल जाए तो वो संभव नहीं है। चाहे आपके ग्रह कितने भी नेगेटिव हो, कितने भी पॉजिटिव हो, चाहे जो भी हो, लेकिन आपको इस जो झेलना है, जो जीना है, वो तो जीना ही होगा। तो उसको तो जीना है, तो क्यों ना उसको खुशी खुशी जिया जाए, उसको अच्छे से जिया जाए, और ईश्वर की ओर हमें चलना चाहिए और वहाँ से उस चीज़ को देख कर जीना चाहिए। तो वहाँ से आपका माइंड सेटअप पॉजिटिव होगा और कई सारे नए अनुभव आपके साथ जुड़ेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। तो किस्मत ख़राब क्यों है, उसके पीछे एक मेन कारण यही है, और इस चीज़ को आप बहुत गंभीर बात मैंने आपसे की, इसे आप समझे, सोचे तो फ़ायदा होगा। अब आपको कैसा लगा आप कमेंट्स में बताएं कि आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में अपनी एक राय लिखें। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल।